वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। देखिएगा, हमने यहाँ पे मिरर इमेज जो है बतानी है। मिरर इमेज किस वे से वर्क करती है, लेट सी। देखिए, आपकी मिरर इमेज ऑलवेज राइट हैंड साइड बनती है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट तो ये ए जो होगा वो ए यहाँ पे आएगा इस वे से, राइट। तो ए इस तरफ होना चाहिए, तो ए यहीं पे है इस तरफ, तो ये वाली सारी क्वेश्चंस कैंसिल आउट होंगे और सेकंड जो बनेगा इसका मिरर इमेज जो है बन पाएगी। नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आता है, तो यहाँ पे मेरा जो है ये मिरर है ऑलवेज राइट हैंड साइड में। अगर यहाँ पे मिरर है तो ये टी जो है मेरा क्या होगा, आपको इस वे से यहाँ पे टी दिखेगा। तो ये दो आंसर्स अपने नहीं हो सकते। अब देखिएगा, ये जो है सिमिलर है, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आया होगा आपका फोर की वजह से। अगर फोर की देखते हो तो आप ये वाली जो है मिरर इमेज बनेगी, तो फोर्थ वन वुड बी द आंसर। नेक्स्ट अगर बच्चों आप लोग देखते हो तो ये वन जो है इस वर्क आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे इन दो को कंपैरिजन की। अगर इन दो के कंपैरिजन में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है बच्चों मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो जस्ट पलट के आने वाली है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 9, वो तो 9 बनेगा कुछ इस टाइप से, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बनता है फोर्थ वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे एम की जो मिरर इमेज रहती है वो एम ही रहती है, तो ये एम, ये एम, ये डब्ल्यू बन गया, आंसर नहीं होगा। ये एम और ये एम, ये एम, तो ये आंसर्स हो सकते हैं, तो ये वाला अपना कैंसिल आउट रहेगा। अब यहाँ पे ए ए ए की मिरर इमेज बिल्कुल सही है। देखो, एल में तो है गड़बड़ गिवन है, तो ये आंसर्स जो है नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एल जो होगा वो, अगर एल ऐसा है मिरर इमेज के बाद जो एल जो है ऐसा बनेगा, दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों। अब यू जो है बच्चों यू ही रहता है, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा सिर्फ एक, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है।